रायबरेली सुपरमार्केट स्थित ओम मानव सेवा शक्ति द्वारा प्रतिदिन भंडारे के 12 वर्ष पूरे होने पर सुंदरकांड के पाठ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नगरपालिका अध्यक्ष सतोहन सोनकर एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास एवं सीओ सिटी वंदना सिंह एवं शहर कोतवाल समेत बड़ा मठ डलमो के संत सहित आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें मंडल अध्यक्ष राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि गरीबों एवं असहाय लोगों को भोजन के अभाव में रात में भूखा ना सोना पड़े, इस सोच के साथ ये भंडारा 12 वर्ष से निरंतर चला रहा है और 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सत्रहन सोनकर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली। आज ये जो दैनिक भंडारा चलता है बाबा भोलेनाथ अमरनाथ जी की कृपा से, तो इसी में हम लोग आए हैं और सुंदरकांड का कार्यक्रम भी था, भंडारा भी था। मोहम्मद इलियास और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली। अब आप एक बार पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके बारे में आगे कार्यक्रम किस प्रकार से होने हैं, क्या सहयोग करेंगे साथ में सत्रहन जी का? पहले तो मैं इस काम में जितने भी लोग लगे, मैं उनको 12 वर्ष में देख रहा हूँ, लगभग सब लोग लगे हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं जो भी इसके फाउंडर मेंबर और जो अभी तक कार्य कर रहे हैं, मैं सबको दिल से बधाई देता हूँ। परिचय दे दीजिए अपना। राजेंद्र अवस्थी, मंडल अध्यक्ष ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल, दैनिक भंडारा सुपरमार्केट रायबरेली। ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल की एक सोच कि कोई भी व्यक्ति रायबरेली में धन अभाव के कारण भूखा ना सो सके, इस सोच के साथ हमारे जगदीश शरानी जी के द्वारा एक ये विचार आया कि हम लोग प्रतिदिन भंडारा लगाएं, जहां पर हम सब ने 6 जून 2011 को इसकी शुरुआत की थी और ये निरंतर कार्य करते हुए 12 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 13वें वर्ष प्रवेश के इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रनंद गिरिजी महाराज, बड़ा मठ डलमऊ, सीओ सिटी वंदना मैम और यहाँ के कोतवाल शहर कोतवाल श्री संजय त्यागी जी और तमाम जनमानस जो यहाँ रायबरेली का है उसकी उपस्थिति में आज यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ में इस भंडारे का 13वें वर्ष का शुभारम्भ किया गया। सभी ने यहाँ पर हर हर बम बम के जयकारे के साथ इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।